नमस्कार, मैं आशीष और आप सभी का स्वागत है एसीएन न्यूज में। दशकों पुराने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी माह में आने की उम्मीद है। इसी कड़ी में राम मंदिर पर फैसले से पहले मंगलवार को बीजेपी के वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। वहीं अयोध्या में सुरक्षा इंतजाम और धारा 144 पर कटियार ने कहा, सुरक्षा के इंतजाम जरूरी है लेकिन घोर नाकेबंदी का विरोध करता हूँ। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के नाम पर अयोध्या वासियों को परेशान नहीं होना चाहिए। मुस्लिम संगठनों के फैसले के बाद विकल्प वाले बयान पर विनय कटियार कहते हैं कि उनको पूरी आजादी है क्योंकि ये लोग तो रोज मस्जिद आते रहते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि आतंकियों को सुरक्षा कौन देता है ये सबको पता है। वहीं दिल्ली में सुरक्षा हटाने पर अपने ऊपर हमले की आशंका जाहिर करते हुए कटियार ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कल को मेरे साथ भी कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ मरने के बाद मुआवजा देती है। इससे पहले बीते 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साधु संतों से ऐसी ही अपील कर चुके हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने लखनऊ के सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी से मुलाकात की थी। इसी दौरान दोनों के बीच अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आने वाले संभावित फैसले पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद महंत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर साधु संतों से संयम बरतने की अपील की थी। बता दें कि अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन से ज्यादा नियमित सुनवाई चली, जिसमें सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या विवाद पर फैसला जारी रख लिया है। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद से इसी साल 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके रिटायरमेंट से पहले अयोध्या विवाद पर फैसले आने की उम्मीद है, जिस पर पूरे देश और दुनिया के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। बहरहाल, जैसे जैसे अयोध्या के फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे अलग अलग खबरें सामने आ रही है। इस पर जनता की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जो लोग ऐसी न्यूज पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अभी के लिए इतना ही। मैं आशीष झा, ऐसी न्यूज। धन्यवाद।